नमस्कार। भारत में G20 कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भावना नायर। भारत की अध्यक्षता में अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित सहभागी समूहों के साथ व्यापक विचार विमर्श आयोजित किए जा रहे हैं। G20 की लगातार चल रही बैठकों में इस हफ्ते भी कई महत्वपूर्ण बैठकें हुई। इन बैठकों में कई वैश्विक और आवश्यक मुद्दों पर चर्चा हुई। आइए शुरुआत करते हैं G20 हाइलाइट्स के साथ। प्रधानमंत्री ने वन अर्थ वन हेल्थ समिट को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने G20 की अध्यक्षता वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के संकल्प के साथ ली। लेह में Y20 बैठक आयोजित। G20 देश और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के Y20 प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग भुवनेश्वर में आयोजित। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सम्मेलन को किया संबोधित। भारत और सिंगापुर ने कौशल और शिक्षा के क्षेत्र में अपनाई गई सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों पर की चर्चा। और तीसरी EDWG बैठक में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया फ्यूचर ऑफ वर्क प्रदर्शनी का उद्घाटन। आइए अब जानते हैं इन बैठकों की उपलब्धियों को विस्तार में। वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 समिट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने G20 की प्रेसिडेंसी वन अर्थ वन हेल्थ वन फ्यूचर की थीम के साथ शुरू की है। वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 समिट को वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वास्थ्य के प्रति भारत की दृष्टि केवल बीमारी की कमी पर ही नहीं रुकती, रोगों से मुक्त होना कल्याण के मार्ग का एक पड़ाव मात्र है। इंडिया स्टार्टेड द जर्नी ऑफ इट G20 प्रेसिडेंसी विद द थीम ऑफ वन अर्थ One family, one future. We realize the importance of resilient global healthcare systems in fulfilling this vision. India sees medical value travel and health workforce mobility as important for a healthy planet. One earth, one health. एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 इज एन इम्पोर्टेंट एफर्ट इन दिस डायरेक्शन। भारत ने G20 की अध्यक्षता की शुरुआत वन अर्थ वन हेल्थ वन फ्यूचर के साथ की है। दिस गैदरिंग रेजोनेट्स विद इंडिया G20 प्रेसिडेंसी थीम। This is symbolic of the Indian philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam, which means the world is one family. प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत ने कई देशों को वैक्सीन और दवाओं के माध्यम से मदद पहुंचाई है। India started the journey of its G20 presidency with the theme of One Earth, One Family, One Future. We realize the importance of resilient global healthcare systems in fulfilling this vision. India sees medical value travel and health workforce mobility as important for a healthy planet. वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 इज एन इम्पोर्टेंट एफर्ट इन दिस डायरेक्शन। लद्दाख में 30 से ज्यादा देशों के 100 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने G20 की बैठक में हिस्सा लिया। ये सभी प्रतिनिधि लेह में निर्धारित Y20 बैठकों में भाग लेने पहुंचे थे। इस दौरान प्रतिनिधियों के सामने लद्दाख की अनूठी संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित किया गया।
हिमालय की गोद में समुद्र तल से 3542 मीटर की ऊंचाई, सुंदर झीलें और आकर्षक मठ पर स्थित है लद्दाख। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद यहां पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बैठक आयोजित हुई। 26 से 28 अप्रैल तक चली इस बैठक में युवा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। G20 शिखर सम्मेलन के तहत Y20 प्री समिट बैठक में 30 देशों से आए 100 से ज्यादा प्रतिनिधियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। Y20 5 मुख्य विषयों पर केंद्रित रहा: लोकतंत्र और शासन में युवा, काम का भविष्य, उद्योग 4.0, नवाचार और 21वीं सदी के कौशल, जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम में कमी, शांति निर्माण और सुलह नो वॉर, हेल्थ वेलबीइंग एंड स्पोर्ट्स, एजेंडा फॉर यूथ के युग की शुरुआत। इस बैठक में युवाओं के सामने आने वाली चुनौतियों के समाधान और उनके विकास की कार्य योजना तैयार करने पर विचार विमर्श हुआ। लेह लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने बैठक को संबोधित किया। We are meeting here at an altitude of almost 11,000 feet above the mean sea level. For us in India, Atithi Deo Bhav, that is the dictum, and this so strong an expression that it has been mentioned by my previous speakers one after the other. And it means that our guests are like our gods. इस दौरान विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों को धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों सहित लेह के कई ऐतिहासिक स्थानों पर भी ले जाया गया। आपको बता दें कि पहले युवा 20 प्री समिट का आयोजन इस साल फरवरी में गुवाहाटी में हुआ था। आगे बढ़ते हुए, शिक्षा कार्य समूह की तीसरी बैठक भुवनेश्वर में आयोजित हुई। बैठक का उद्देश्य भविष्य के काम से संबंधित मुद्दों पर रहा। बैठक से पहले कई प्रीकर्सर कार्यक्रम भी आयोजित हुए। इसके साथ ही भुवनेश्वर में एक खास प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। ये प्रदर्शनी कृषि, परिवहन और स्वास्थ्य सेवा जैसे तीन क्षेत्रों के प्राथमिकता पर केंद्रित रही। मंदिरों के शहर भुवनेश्वर में 23 से 26 अप्रैल तक शिक्षा कार्य समूह की तीसरी बैठक आयोजित की गई। G20 प्रतिनिधियों ने आजीवन शिक्षा के लिए कौशल विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा की। IMMT परिसर में 5 दिन तक चले इस सम्मेलन में भविष्य की कार्यशैली, विभिन्न प्रदर्शनी, बैठक और सेमिनार आयोजित किए गए, जिसमें भारत के साथ विश्व के 29 देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष सरकार ने किया। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क 2023, व्हिच एम्स टू इंटीग्रेट वोकेशन, एकेडमिक एंड एक्सपीरियंशियल एजुकेशन थ्रू ए फ्लेक्सिबल चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम फॉर लर्नर्स थ्रू स्कूल, higher and vocational education. Guided by this policy, the government of India is rethinking the ways in which we develop, assess and recognize skills primarily through the integration of academic and vocational education and training to reduce the structural barriers for transitioning between the two related to curriculum, assessment models, certification, governance and so on.
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भुवनेश्वर में G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप समावेशन में एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री प्रधान ने भविष्य की कार्यशैली के लिए आयोजित सम्मेलन में हिस्सा लिया। सम्मेलन का विषय भविष्य के काम करने के तरीके में आधुनिक प्रौद्योगिकी पर जोर था। इस प्रदर्शनी में ARVR, इमर्सिव टेक्नोलॉजी और आधुनिक समाधानों को प्रदर्शित किया गया। उद्योगों, सरकारी एजेंसियों, IT कंपनियों और छात्रों ने इस प्रदर्शनी में भाग लिया। ह्यूमन नेचर इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द ह्यूमन फ्यूचर। इंडिया इज ए नेचुरल प्लेस। इंडिया हैज टैलेंट। इंडिया हैज कैप्टिव मार्केट विथ इट्स न्यू एस्पिरेशन। इंडिया हैज इट्स ओन रिसोर्स। Essentially, India is a knowledge society. In the 21st century, there is a unanimous in the entire human civilization. 21st century is going to be a knowledge-based century. And India is going to lead role on that. And fortunately, we all are implementing NEP. NEP has a mandate and responsibility to look into the global aspiration. केंद्रीय उद्यमिता, कौशल विकास, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी प्रदर्शनी का दौरा किया। साथ ही उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग लॉजिस्टिक्स फॉर कोस्टल इकोनॉमीज विद फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी सम्मेलन का उद्घाटन भी किया। Honorable Prime Minister always says, the future is about skilling, reskilling and upskilling, that there is no permanent full stop to learning, and learning and skilling is going to be a continuous process where even after 10 years and 20 years you will continue to be looking to skills to remain relevant and competitive in this future workforce, in the future workplace. Bhuvaneshwar mein G20 meeting se itar do divasiya C20 working group summit ka bhi aayojan kiya gaya. Ye karyakram लैंगिक समानता और विकलांगता पर आधारित था। कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 3000 छात्रों ने एक साथ मिलकर टॉर्च की लाइट से C20 लोगों का प्रदर्शन किया। C20 मीटिंग में पहली बार विकलांगता को मुख्य धारा से जोड़ने पर विचार किया गया। इन अ हिस्टोरिक Civil 20 India today has announced the creation of a standalone separate working group on disability, equity, justice, something that has never been done before. It is important that persons like me, persons living with disabilities, 1.3 billion of us living in this world, are mainstreamed in the political, social as well as economic agenda, and India has done that today. What will this group do? Is really the aim of amplifying voices of persons like me living with disabilities and mainstreaming them so that we ensure that the economic growth is just, sustainable, resilient, but also inclusive. एक्शन ओरिएंटेड कार्यक्रम बनाने की रूपरेखा तैयार करने के मकसद से विद्यार्थियों को शामिल करने और शिक्षित करने के लिए विभिन्न जनभागीदारी कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। Model G20, Mock G20 is one of the ways of reaching out to the student community and letting them know about the G20 functioning, workings and deliberations. वैसे कहीं पे चौपाल हो रहे हैं, कहीं पे discussions हो रहे हैं। G20 का ये जो mock यहाँ पे हो रहा है, मैं at least अपने side से बोल सकता हूँ कि ये अभी तक का best diplomatic event है, mock diplomatic event है जो मैं attend कर रहा हूँ। And even इसके रिसर्च वगैरह करने के मामले में भी मेरे को दूसरे कंट्रीज वगैरह के बारे में सीखने में, अपने कंट्री के बारे में भी सीखने में और मेरे कंट्री के कितने अचीवमेंट्स हुए हैं इस फील्ड में जो मैं जानता नहीं था अभी तक, उन सब चीज़ों के बारे में सीखने में मेरे को बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है। टुडेस मॉक G20 हैज इंस्टिल्ड विद इन मी विद मच मोर क्रिएटिविटी एंड मच मोर एक्सपीरियंस एंड एज आई एस्पायर टू बिकम अ फ्यूचर टीचर I can say that today's experience will help me a lot to relate this concept in the classroom situation when I'll be placed in the future. भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित शिक्षा और कौशल विकास की पारिस्थितिकी के ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर चर्चा हुई।
केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मौके पर कहा कि भारत और सिंगापुर के बीच रणनीतिक भागीदारी में कौशल विकास और ज्ञान एक प्रमुख हिस्सा है। आइए देखते हैं क्या रहा इस कार्यशाला में खास। भारत और सिंगापुर के प्रतिनिधियों ने G20 की एक बैठक में दोनों देशों में कौशल और शिक्षा के क्षेत्र में अपनाई गई सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों को लेकर भी चर्चा की। दोनों देशों के बीच स्किल आर्किटेक्चर एंड गवर्नेंस मॉडल्स ऑफ इंडिया एंड सिंगापुर पर कार्यशाला के तहत ये चर्चा की गई। We have to create a global model. Friends, this association is not going to limit it only up to our mutual interest. This model will create inspiration for all the developing countries. With this target, I am happy on all the critical three areas: how to create skill ecosystem in schooling, how to align the TVET in our existing higher education ecosystem, and how to create a new ecosystem for lifelong learning, looking into the future challenges for the future ready jobs. We have to analyze our problem. We have to categorize our geographies. We have to, because this is a very win-win position for everybody. प्रतिनिधियों ने तीन प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा की, जिनमें कौशल के लिए नए पाठ्यक्रम का विकास, उच्च शिक्षा में कौशल के इकोसिस्टम के लिए रूपरेखा और आजीवन कौशल के लिए अनिवार्य प्रशिक्षुता और रूपरेखा शामिल है। और इसी के साथ वक्त हो चला है G20 क्विज का। आज का सवाल है, भारत में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? ए, कठोरता से गरीबी से लड़ना। बी, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। सी, एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड को आकार देना। और डी, दुनिया को एक साथ बनाना। आप अपने जवाब और फीडबैक g20.sansadtv@gmail.com पर भेज सकते हैं। जो इस सवाल का सही जवाब सबसे पहले भेजेगा, उनका नाम हम अगले हफ्ते अपने इस कार्यक्रम में प्रसारित करेंगे। एक पृथ्वी एक परिवार और साझा भविष्य की संकल्पना को साकार करते हुए भारत की अध्यक्षता में G20 के सदस्य देश बेहतर भविष्य के लिए एकजुट प्रयास कर रहे हैं। हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम इन प्रयासों को आपके सामने लाते रहेंगे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।